अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम ना क्लाइमेट वाला जो है चैप्टर यूनिट 1 और लेसन नंबर 2 है वर्ल्ड क्लाइमेट, ये हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर 9, के पाकिस्तान का कि आबो हवा और वेदर यानी कि मौसम कैसा रहता है। पाकिस्तान लाइज जस्ट टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द कंट्री कवर्स अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड द क्लाइमेट इन वन प्लेस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अनदर। द हॉटेस्ट मंथ इज यूजली जून। द एवरेज टेम्परेचर्स एंड द टोटल एनुअल रेनफॉल फॉर अ फ्यू सिटीज आर गिवन बिलो। ये चार्ट है, इसमें बताया गया है कि जनवरी में कितनी गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर कैसा रहता है, जून में टेम्परेचर क्या होता है और कितना जो है वो हमारा रेनफॉल एनुअल यानी सालाना कितनी बारिश होती है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो आपको पता है सबको कि जून में ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। द फिगर्स गिवन इन द टेबल आर एवरेज टेम्परेचर। Some places have very severe winters and temperatures can drop very low. For example, the temperature in Quetta has been as low as minus 16 degrees centigrade in winters. Temperatures in the summer can also be well above the average. Jacobabad once recorded a temperature of 53 degrees centigrade. And many weather stations have recorded temperatures above 49 degree centigrade. ये एक दफ़ा जैकबाबाद में शदीद तरीन गर्मी पड़ी थी 53 degree centigrade. To get a good picture of the climate of a place, we also have to study the amount of rainfall, the direction and frequency of winds. Direction of frequency यानी कितनी रफ्तार से हवा चलती है और उसका रुख किस तरफ होता है। The amount of water vapor, humidity यानी कि हब्स जो होती है in the air and other factors. The climate is influenced by many things. Hills or mountains can stop rain from falling in some places. Strong winds can bring rain clouds to some areas. High up in the mountains, it is very cold. So even a place close to the equator can be cold if it is in the mountains. इसमें यह है कि बताया गया है कि रेनफॉल जो बारिश कितनी होती है पहाड़ बाजू का जो है बारिश को रोकने का सबब बन जाते हैं और कहीं कहीं जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसकी ये बादल जो है और तेज़ हवाएं वो बारिश को बरसाने का सबब बनती हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ अ चेंज इन द क्लाइमेट पैटर्न ऑफ अ रीजन और ऑन अ ग्लोबल स्केल फ्रॉम द मिड टू लेट 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर हैव कॉज्ड अ राइज इन द temperatures on earth. The impact of climate change is becoming evident around the world. The use of fossil fuels वो होते हैं जैसे कार्बन जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, मसलन पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैसेज हैं, जब ये जलती हैं तो फिर उससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि हमारी ज़मीन के लिए अच्छी नहीं होती और टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद देती है ये। The main contributor to climate change, agriculture and deforestation, यानी कि ज़रात जो है वो और जो deforestation जो बाहर दरख्तों वगैरह का काट के पौधों को काट के जो है वो हम फसलें लगाते हैं and the manufacture of cement, chemicals and metals जो भी धातुओं का काम होता है वो also contributing the increase in greenhouse gases और ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसमें को बढ़ाने में मदद देती हैं।